भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली रैली, कलेक्ट्रेट के सामने एकत्र होकर गाया वंदे मातरम। इस बार एसएफ मैदान में होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने तैयारियों के दिए निर्देश। महापौर कांता सदरंग की अध्यक्षता में हुई निगम की महत्वपूर्ण बैठक, अधिकारी सभापति और बीजेपी पार्षद रहे मौजूद। और इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में स्वर्गीय मनोहर लाल स्मृति T20 क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ, 20 तक चलेंगे मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने आज रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यालय द्वार के सामने वंदे मातरम गाया। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष नरेंद्र परमार, पूर्व विधायक चौधरी चंद्रमान सिंह, पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहड़, महापौर कांता योगेश सदारंग, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पोफली सहित पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद थे। और वहाँ से हम लोग वापस हमारा शांतिपूर्ण मार्ग से हमारा कोई नहीं, हमको वंदे मातरम कहना, वंदे मातरम कहने से डिसिप्लिन से कार्यक्रम होगा, भारत माता की जय होगी, वंदे मातरम हम लोग गायन होगा, वापस जाएंगे। हमारा कोई युग प्रदर्शन नहीं है, वापस बात मत करो। एक तारीख को बंदे उसमें कभी आप लोग आए स्वागत है। आज ऐसे आपके हिसाब से एक तारीख का होगा, हमारे हिसाब से नहीं, शासन आप पहले भी होता है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और वंदे मातरम कभी भी हम लोग कैसे भी ले सकते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर परिसर में करेंगे। आपको कोई अनुशासन व्यवस्था में गिरने करना चाहते हैं आप लोगों को? अच्छा ये बताएं सर, आपसे बात हो गई? मेरा कहना है आप यहाँ करने देंगे हाँ या ना, मैं बता देता हूँ। मौका मेरी बात सुन ले, लिखित में न्याय करेंगे, लिखित में मेरा अनुरोध है आपने हमसे अनुमति ली है, ना मैं लिखित में आपका स्वागत है। प्रारंभ करेंगे।
आज दिनांक 7 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय पर, पूरे मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय पर राष्ट्रगीत का गायन करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी तारतम्य में छिंदवाड़ा जिला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सारे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में, सारे कार्यकर्ताओं के साथ ही कलेक्टर परिसर में जो निर्देश हमें हुआ था गायन का, हम यहाँ सारे एकत्रित हुए 11 बजे। जिला प्रशासन के माध्यम से इसमें अवरोध उत्पन्न किया गया और परिसर में राष्ट्रगीत का गायन नहीं करने दिया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसा जो दुष्कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है इसकी निंदा करते हुए जनता से भी और सारे लोगों से मांग करते हैं कि ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लिप्त प्रशासन और मुख्यमंत्री का सब लोग मिलकर विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गायन कितने बजे होना था? 11 बजे का था जिला का। इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह एसएफ मैदान पर होगा। राष्ट्रीय पर्व पर शानदार आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी मनोज राय एवं एडीएम कविता बाटला सहित अधिकारी मौजूद थे। उत्कृष्ट महाविद्यालय कार्यक्रमों का चयन सही हो, कार्यक्रम लगभग 4 से 5 मिनट के हो और उसमें विवादास्पद गीतों का समावेश ना हो, एक जैसे कार्यक्रम ना हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम में संभव हो तो हर एक विकास खंड से एक दल का चयन हो जिसमें मवासी नृत्य, घोड़ी नृत्य, विकलांगों, आदिवासी नृत्य आदि भी किया जाए। उक्त कार्य हेतु स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। कार्यक्रम हेतु बच्चों को लाने हेतु वाहन की व्यवस्था डीएसपी यातायात द्वारा की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को हेतु थीम तैयार कराएंगे। परेड की व्यवस्था अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में एसएएफ, जिला पुलिस बल, एनसीसी, होमगार्ड, स्काउट गाइड, जूनियर रेड क्रॉस, सीनियर रेड क्रॉस, नगर सुरक्षा समिति, शौर्य दल के मार्च पास्ट की जांच रक्षित निरीक्षक द्वारा कर ली जाएगी। शौर्य दल भी रहेगा। कार्यक्रम के पूर्व परेड का पूर्वाभ्यास दिनांक 11 जनवरी 2019 से प्रारंभ कर दिया जाए तथा फाइनल रिहर्सल दिनांक 24/1/2019 को प्रातः 9 बजे से ऐसे ग्राउंड में होगी। परेड ग्राउंड की साफ सफाई, बैरिकेडिंग, ग्राउंड का सुधार, शामियाना, कुर्सी, दरी इत्यादि की व्यवस्था, मैदान की साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा की जाएगी। मैदान का सुधार, समतलीकरण कार्य, बैरिकेडिंग, शामियाना जो सफेद रंग का हो, दरी, कुर्सी, VIP पंडाल में कालीन कुर्सियाँ आदि की व्यवस्था आयुक्त नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छिंदवाड़ा, सहायक यंत्री ENM, अनुभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा एवं अनुभागीय अधिकारी पुलिस के सहयोग से की जाएगी। SDM अतुल सिंह ने आज राज्य शासन की योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व की जमीनी अमले की बैठक लेकर जरूरी निर्देश प्रदान किए। बैठक में तहसीलदार महेश अग्रवाल भी मौजूद थे। नक्शा बटांकन जो सहमति वाले होंगे वही होंगे, बंटवारा वही होंगे जो सहमति वाले होंगे। इसलिए लोक अदालत में ऐसे प्रकरण जो अविवादित रहते हैं और सभी पक्षकार सहमत होते हैं वो निपटाए जाते हैं, उनकी कोई अपील वगैरह नहीं होती। ये है लोक अदालत। तो आप लोग 16 फरवरी को लोक अदालत है, 15 जनवरी तक हमको ऐसे प्रकरणों को छांट के मार्क करना है उसमें लोक अदालत वाले पोर्टल में। RCMS ने एक पोर्टल अलग से खुला है, वो कंप्लीट करके 16 फरवरी को ऑर्डर पे रखना है उसको, ठीक है। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न लगा सकते हैं उसमें ताकि कुछ बुलाना है, सतर्क तक देना है, कुछ करना है इसके लिए। दूसरा मामला, अभी लोग B1 वाचन कर रहे हैं, B1 वाचन करके पंजी में दर्ज नहीं करेंगे उसको, वो सीधे उसका सिजरा पंचनामा बनाएंगे, प्रतिवेदन लगाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे और फौती के लिए अपने अपने कोर्टों में देंगे। उसके बाद उनमें इश्तेहार जारी होगा और 16 तारीख और इस बीच एक दो छोटी छोटी पेशियाँ लगा सकते हो तुम लोग, किसी का शपथ पत्र लेना है, कुछ लेना है, कुछ कमी है तो, और 16 फरवरी को ऑर्डर के लिए जाएगा वो। इसके अलावा ये जो 4-5 अपने शहर के पटवारी हैं, सोहन, रेशम, ये 5-6 पटवारी हैं, इनसे कम से कम 50-50 रजिस्ट्री के भी नामांतरण के केस लेना है और उसको भी सेम उसी प्रक्रिया में दर्ज हुआ, पहला ऑर्डर शीट लगा, नोटिस तैयार जारी हुआ, नोटिस जारी हुआ, खरीदने बेचने वालों को उनके बयान हुए, ऑर्डर लग जाएगा। ये देखिए इश्तेहार तुरंत जारी होगा, किसी को नोटिस काटना है, शपथ पत्र लेना है, सब प्रक्रिया पूरी करना है, छोटी छोटी पेशी तीन चार, 16 फरवरी फाइनल ऑर्डर पर रहेगा। दो चीज़ ध्यान रखना, 15 जनवरी के बाद RCMS से मार्क नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी 2-3 दिन के अंदर जितने भी तुम्हारे समझौते वाले सिंपल मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों पर 16 फरवरी को राजस्व लोक अदालत लगाए जाएंगे, इसके लिए तैयारी की जा रही है। आज पटवारियों, आरईओं, नायब तहसीलदारों की बैठक बुलाकर
जो हमने बीवन वाचन का एक कार्यक्रम चलाया है फतेह नामांतरण के लिए, उसकी आज बैठक ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। ये 12 जनवरी तक चलेगा। इसमें पटवारी गांव-गांव जा करके लोगों के बीच में बैठकर खाते का वाचन कर रहे हैं और फौत खातेदारों की जानकारी लेकर प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, जिसे हम 16 फरवरी तक निराकृत कर देंगे। और हमारा टारगेट ये है कि 16 फरवरी तक हमारे जितने भी फौत खातेदार हैं सब यथा हट के उनके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हो जाए। नगर निगम सभा कक्ष में मेयर कांता योगेश सदारंग ने निगम अधिकारियों और सभापति सदस्यों के साथ पार्षदों से जल समस्या के निदान के लिए चर्चा की। इसमें क्या है कि जो तात्कालिक अपन पूरा हो रहा है ना, हम उसके लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। जैसे बोर्ड अपने पास है, बोर्ड लगा ले और जैसे जो लगाने बोर्ड किसी मोटर का आता है ये अपने लिए तुरंत इसका भी अपना प्रयास चल रहा है। ये ठीक है, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। पब्लिक के भी नहीं सर, जैसे जिन लिस्ट जो दे देते हैं ना पार्षद जो लिस्ट दे रहे हैं उसका एक बार अधिकारी सर्वे कर ले, सर्वे करके देख ले। हमने तो बताया कुआं है, लेकिन कुआं उपयोगी है कि नहीं, उपयोग कर सकते कि नहीं, सफाई करना है क्या करना है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसी बाजू में आज मोटर ऑलरेडी है, पहले मोटर से निकाल दिए। खोज के देना पड़ेगा। वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, हमने भी लिखा था कि जो सहकारी समितियां हैं या स्व सहायता समूह है उनके माध्यम से जो तालाब का गहरीकरण होगा, गहरीकरण उसको कह सकते हैं अपन, उसके गहरीकरण की जो मिट्टी वो ले जाएगी तो उनके माध्यम से ले जाएगी तो हमें रोजगार मिलेगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो वो निकाल तो बहुत अच्छी है, हो रहा है वो मिले। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। वहाँ जो पढ़ाई हो रही थी इतनी निम्न कोटि की थी कि मतलब एक भी बच्चों को कुछ नहीं आता। हम लोग तानिया के तरफ से जब वहाँ जा रहे थे, क्या नाम है, चिंदौली में दो टीचर्स हैं, दोनों महिलाएं हैं, उसमें एक तो 12 बजे आई, पता चल गया होगा उसको कि 12 बजे आई इस कारण से, एक तब भी नहीं आई, लड़के बैठे रहे, किचन से बंद था 12 बजे तक। 12 बजे जब हम लोगों का पता चला तब वो टेलीफोन वेलीफोन गया होगा तो वो दौड़ते दौड़ते वो आए। और मिडिल शाला में आपके केवल एक शिक्षक है, वो भी बाल भारती का पाठ नहीं पढ़ पा रहे, तो आगे की क्या स्थिति है। तो भाई आप लोगों के बीएससी बीएससी जन शिक्षक क्या करते हैं, सुधर जाइए साहू जी, है ना, है छुट्टी पर किससे छुट्टी लेके गए शर्मा जी, तो सामान्य के हैं जी सर, आप पेज वाले हो जी सर, तो पेज का कहाँ होगा, जन संसाधन में 11 लिखा हुआ है समाधान में, जन सुनवाई में 329 पेंडिंग है तो ठीक है, 739 टोटल 39 पेंडिंग है सर, ये तत्काल सेवा के सर आवेदन है। 39 क्या है ये, 39 क्या है। छिंदवाड़ा जनपद सीईओ कंचन वास्कले ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर रोजगार सहायकों व ग्रामीण सचिवों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। कौन से काम को मास्टर ले जाना है, वृक्षारोपण के पीएम आवास के नहीं, सबसे ज्यादा तो वही बोर्डिंग कैंट में वही जाते हैं, इंदिरा आवास, पीएम आवास और ये वृक्षारोपण जो इन लोगों को करना पड़ता है।
आपको पता होगा ना कब मंगलवार छुट्टी सोमवार के दिन रहती है तो उस दिन क्यों नहीं बताया बैठक में इसको करवा लेना अभी दोनों के पास से बैठक के पास भी करवाना नहीं डंगावानी का भी था ना चेंज करना है ना आपको भी गुरुवार है ना तो छुट्टी का खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहे सिटी हलचल दीपावली धमाका दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी म्यूजिक सिस्टम माइक्रोवेव एसी वाटर प्यूरिफायर वॉशिंग मशीन सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप एसी लग्जरी रूम 2 एसी हॉल स्पेशल डिनर एरिया 2 भव्य किचन स्टोर रूम बड़ा वॉशिंग एरिया 3 बड़े प्रवेश द्वार कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244 श्री राणा मैरिज लॉन संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक डिलीशियस फूड ट्रेडिशनल फूड इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य संतोष कैटर्स तिलक मार्केट मोदी होजरी के सामने छिंदवाड़ा गिरनार शॉपिंग गिरनार शॉपिंग तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर 500 की खरीदी पर एक कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त बचत का वार गुरुवार और रविवार जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट गिरनार शॉपिंग उत्तम क्वालिटी का किराना जनरल प्लास्टिक आइटम लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी मेंस वेयर लेडीज वेयर बच्चों के खिलौने ऊनी कपड़े बेकरी प्रोडक्ट सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध गिरनार शॉपिंग गांधीगंज छिंदवाड़ा
गिरनार शॉपिंग, स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन्स है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर, किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वन विभाग की टीम ने आज शहर के लालबाग क्षेत्र स्थित आरा मशीन का निरीक्षण अवलोकन किया। मैं आज रात में सूचना मिली कि यहाँ पे अवैध माल आ रहा है, जिसको मैंने रात में गश्त के दौरान ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं, और अब मिलान उनके कंपाउंड में जो रखी है लकड़ी, उससे किया जा रहा है। पंजी अनुसार यदि मिलान पाया गया, कहीं कोई बात नहीं आई, यदि अवैध वन उपज पाई गई तो कार्रवाई। अभी कागजों में अभी क्या देखे आपने, कागज देख रहे थे? अभी उनका मिलान कर रहे हैं कागज से और रजिस्टर से। मैं जब्त किया हूँ, उन्होंने क्या बताया, कागज हैं या नहीं? कागज उन्होंने बताया है, पर उनके कहने से हम नहीं मानेंगे। हम जब तक अपना स्टाफ हम लगा के कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और कार्रवाई तभी होगी जब यहाँ अवैध वन उपज पाई जाएगी। तो और ट्रैक्टर भी जो पकड़ा है रात में, उसमें यदि वैध रेवेन्यू से या पंचायत से जो विधिवत कार्रवाई होगी तो वो भी जब्त नहीं होगा। तो रात में कागज नहीं दिखाया उन्होंने ट्रैक्टर वाले? रात में था उनके पास कागज, है सरपंच का प्रमाण पत्र, पर उसकी हम जांच कर रहे हैं। जो प्रोसीजर में जो जांच आएगी उसमें हम देखेंगे। ट्रैक्टर पकड़े रात में? मैंने एक ट्रैक्टर पकड़ा है। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की सामान्य सभा की बैठक आज जनपद अध्यक्ष इंदु रबड़े सहित सदस्यों व अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। आपके साथ एक बार मैंने पत्र ज्वाइन निकाला, एक बार एसडीएम सर से पत्र मगाई है। अनकंप्लीट भवन की सूची आप मुझे दिलवाएंगे मीटिंग के बाद? मैं दे रहा हूं। गोंडा पंचायत का राजनीतिक और जानकारी चाहिए।
दूसरा जो अभी अभी हम बता रहे थे जो भवन कुछ गांवों में भवन संशोधित कर दूसरे भवनों में चले गए वो कलेक्टर साहब ने उसका कारण क्या था उसका वो सर ऐसा हो गया था कि भवन के जैसा रोना में रोना में ऑलरेडी हम लोग भवन देते हैं मैं पर जैसे ये राशि आई है तो रोना पे भवन का काम अभी चल रहा है आंगनवाड़ी वहाँ दो केंद्रों में काम चल रहा है लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो दो केंद्र है वो कलेक्टर साहब का एक पत्र है उसी को मैंने दिया पता है उनकी बताने हमारे यहाँ कुइया में भी हम लोगों ने सिस्टम काम किया उनको जैसा चाहे वैसा बोल लेते और कार्रवाई कुछ होती नहीं। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की मेजबानी में आज से राज्य स्तरीय मास्टर्स एंड वेटरन्स चैंपियनशिप प्रारंभ हुई। शुभारंभ अवसर पर डीआईजी जीके पाठक मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एसपी मनोज राय, डीबीए के राजेश अग्रवाल, डीसीए प्रेसिडेंट जेपी सिंह और खेल प्रेमी समाज सेवी इंद्रजीत सिंह बैज भी मौजूद थे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जैसे मैं यहाँ ज्वाइन किया था, जावेद आए थे, इन्होंने बताया था कि एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और भोपाल और इंदौर के कई साथी जो मेरे साथ पहले बैडमिंटन खेले हुए हैं वो लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक अच्छा टूर्नामेंट छिंदवाड़ा में हो रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा बहुत ही, मैं जब से आया हूँ देखते में आ रहा है कि खेलों के प्रति सबकी बहुत रुझान है और इसमें न केवल युवा बल्कि बुजुर्ग लोग भी बड़े बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि संचालक खेल आए थे मध्य प्रदेश से और उन्होंने यहाँ पे कई सौगातें बताई हैं कि छिंदवाड़ा को देंगे और निश्चित रूप से खेलों को इंफ्रास्ट्रक्चर में या अलग अलग खेल आयोजन करने में हम लोगों की जहाँ जहाँ ज़रूरत आपको पड़ेगी हम लोग पूरा सहयोग देंगे। और आज जितने खिलाड़ी बाहर से आए हुए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आयोजकों को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छा यहाँ आयोजन किया है। न केवल इससे अच्छे खिलाड़ी उभरेंगे बल्कि यहाँ के जो नए बच्चे हैं उनमें भी खेलों के प्रति रुझान होगा। जब भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं। खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो यहाँ से जीत के राष्ट्रीय स्तर पर न केवल छिंदवाड़ा बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन करें। तो यहाँ खेल की वास्तव में परंपरा है, ये बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ जो खेलों का जो वातावरण है मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी अद्भुत होने वाला है। जिस तरह की भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स आए थे, बहुत एकेडमीज यहाँ खुलने वाली हैं, बहुत से नए रूप में आपको जब आप दोबारा यहाँ आओगे ये आपको मिलेगा, और भी कहीं कोर्ट्स बनने वाले हैं। तो ये लेकिन ये तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लेकिन जो जावेद जी ने बताया कि जो खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं प्रदेश लेवल से राष्ट्र के स्तर पर, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनके जाने की उम्मीद है, ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कहा जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अगर हम ये कल्टीवेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान को हम बहुत सुंदर खिलाड़ी छिंदवाड़ा की धरती से और मध्य प्रदेश की जमीन से दे पाएंगे।
इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में आज से स्वर्गीय श्री मनोहर लाल मालवीय स्मृति T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हुआ। खराब फील्डिंग वहाँ पर सागर की और चार रन दे पा रहे हैं यहाँ पर और पिनाक खेल दिया खराब फील्डिंग इस ओवर में लगभग थके थके नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इंडियन ऑयल एसोसिएशन डीडीए संदीप जिस तरीके से उम्मीद जताई थी और एक लंबे इनिंग की तरफ इंडियन ऑयल T20 लेदर बॉल राजस्थी प्रतियोगिता का आरंभ 7 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2019 तक किया गया है। प्रतियोगिता का शानदार सफलतम 7वां वर्ष है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र बॉम्बे दिल्ली मध्य प्रदेश सहित लगभग 6 राज्यों की टीमें भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1,00,000 रुपये एवं उपविजेता टीम को 50,000 रुपये एवं ट्रॉफी एवं अन्य उपहार दिया जाएगा। इन राज्यों की टीमों में रणजी एवं IPL के खिलाड़ी का खेल छिंदवाड़ा की धरती में देखने को मिलेगा। हम छिंदवाड़ा की जनता से अनुरोध करते हैं कि मैदान में आकर इस प्रतियोगिता का आनंद लें। विद्या निकेतन स्कूल के वार्षिक उत्सव के अंतर्गत आज सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। रायल चौक में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के अंतर्गत आज राजा परीक्षित की कथा सुनाई गई। अरे वो तो हम भूले गए। बोले सुनो, पिता के गर्भ से बालक ने जन्म लिया और उस बालक ने जब जन्म लिया तो जिसकी गोद में हो जाता तो केवल सत्य परमात्मा को खोजता। अरे मेरी गर्भ में रक्षा करने वाला कौन है जिसने मेरे गर्भ में रक्षा किया था?
सबने परब्रह्म परमात्मा नारायण को देखता, इसलिए उसका नाम रख दिया गया परीक्षित। सबने जो परमात्मा का दर्शन करे उसे कहते परीक्षित। परीक्षित जी का असली नाम था विष्णुधार, विद्वानों ने उसका नाम रखा था विष्णुधार, लेकिन जब देखा कि हरेक में परमात्मा को प्राप्त कर देख रहा है उसका नाम रख दिया परीक्षित। जब परीक्षित जी बड़े हुए तो एक दिन जो विदुर जी दुर्योधन के कहने से तीर्थ यात्रा पर उनको चले गए थे, उनके सुनने में महाभारत का युद्ध हुआ। विदुर जी एक दिन आए, क्या देखा, महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव राजा बन गए, कौरव मारे गए। धीरे से धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र क्या चल रहा है, पांडव से कोई आपत्ति तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, मुझे तो दुर्योधन से ज्यादा सुख देते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर राजा होने के बाद भी रोज मेरे कक्ष में आते हैं, मेरा मुझे प्रणाम करते हैं। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय का 25वां वार्षिक महोत्सव रजत जयंती महोत्सव के रूप में आगामी 7 से 11 फरवरी तक मना रहा है। रजत जयंती महोत्सव पर मंगल गान का आयोजन चल रहा है। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के संयुक्त तत्वधान में नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय का 15वां वार्षिक महोत्सव 23 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसी के साथ अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय का 25वां वार्षिक महोत्सव 7 से 11 फरवरी तक रजन जयंती महोत्सव के रूप में मुमुक्षु मंडल और जैन युवा फेडरेशन मना रहा है। रजत जयंती महापर्व पर मुमुक्षु मंडल और फेडरेशन की ओर से विविध सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। सातवीं समाज में एकता और वात्सल्य बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से, पंचकल्याणक की खुशियां मनाने के उद्देश्य से प्रत्येक रविवार को भजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे सकल जैन समाज में बहुत हर्ष का वातावरण है। मैं दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से सकल जैन समाज के साथ अभी सभी साधर्मी बंधुओं को और गणमान्य नागरिकों को इस मंगलमय मंगल गान में सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली रैली, कलेक्ट्रेट के सामने एकत्र होकर गाया वंदे मातरम। इस बार एसएफ मैदान में होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह, कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने तैयारियों के दिए निर्देश। महापौर कांता सदरंग की अध्यक्षता में हुई निगम की महत्वपूर्ण बैठक, अधिकारी सभापति और बीजेपी पार्षद रहे मौजूद। और इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में
स्वर्गीय मनोहर लाल स्मृति T20 क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ, 20 तक चलेंगे मैच। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हामिर हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।